हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे अनेक परतों वाले लेयर्ड नमक पारे। ये नमक पारे खाने में बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट लगते हैं। इनकी सेल्फ लाइफ भी काफी होती है, तो त्योहारों के मौसम में आप पहले से इन्हें बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा। आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी। सूजी डालने से नमक पारे और भी ज्यादा खस्ता बनते हैं। इसके बाद फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 छोटा चम्मच कूटी हुई काली मिर्च। आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन कूटी हुई काली मिर्च से ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। साथ में मैंने ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच अजवाइन, और ये लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, और जो नहीं पसंद है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने ऐड कर दिया है इसमें स्वाद अनुसार नमक। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बीच में एक गड्ढा बनाएंगे तेल डालने के लिए। तो ये मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, बीच में एक गड्ढा बना लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम किया हुआ देसी घी। आप मोयन के लिए देसी घी का ही यूज करिए। नमक पारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, भले ही आप इसे बाद में तेल में तलिए। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है देसी घी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इसमें बाइंडिंग हो रही है, मतलब ये परफेक्ट है। इतना ही हमें घी डालना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो नमक पारे के लिए जो हम आटा लगाएंगे वो थोड़ा सा टाइट लगाएंगे, रोटी की तरह हमें सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। तो ये देखिए मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं आटा मैंने थोड़ा टाइट लगाया है। तो इसे ढककर हम एक साइड में रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए। तो ये आटे को मैंने साइड में रख दिया है। अब लेयर्ड नमक पारे बनाने के लिए हम साटा बनाकर तैयार करेंगे। तो साटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़ा चम्मच मैदा। उसमें ऐड करेंगे हम 3 चम्मच देसी घी, 3 से 4 चम्मच पिघला हुआ देसी घी हमें लेना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये साटा बनकर भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आटे को रेस्ट करते हुए यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, आटे ने रेस्ट कर लिया है। अब हम नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम आटे को थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार, और इसके बाद हमें जितनी बड़ी रोटी बेलनी है नमक पारे बनाने के लिए उस हिसाब से इसे काट लेते हैं। तो मैं इसे 3 हिस्सों में काट लेती हूँ इस तरह से, और 2 हिस्से को हम हटा देते हैं और पहले 1 हिस्से से नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें बेलना है इसे। आप जितना पतला बेल सकते हैं यहाँ पे बेलिए। नमक पारे बनाना बहुत ही आसान है, और इस तरह से लेयर्ड नमक पारे बहुत ही खस्ता बनते हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनकी सेल्फ लाइफ भी काफी होती है, तो त्योहारों के मौसम में आप इन्हें पहले से बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने रोटी बेल ली है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मोटाई, मैंने काफी पतला बेला है। तो इसके ऊपर से जो हमने साटा बनाकर तैयार किया था उसे हमें अच्छे से लगा देना है। इससे जो हमारी लेयर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से आएंगी, और नमक पारे भी खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए इस तरह से हाथों की सहायता से हम अच्छे से फैला लेंगे। एक हल्की सी पतली सी लेयर हमें लगानी है, और उसके बाद हमें इस तरह से इसे मोड़ लेना है लेयर्स बनाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने मोड़ लिया है। इसे हम फिर से बेलेंगे। तो इस तरह से हम इसे फिर से बेल लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चौकोर शेप में इसे फिर से बेल लिया है, और इसके ऊपर से हम फिर थोड़ा सा आटा लगाएंगे। आप इस तरह से जितने लेयर्स चाहें बना सकते हैं। तो ये देखिए हाथों की मदद से मैंने थोड़ा सा साटा लगाकर अच्छे से फैला लिया है, और फिर से हम इसे इस तरह से मतलब मोड़ लेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे मोड़ लिया है। इसे थोड़ा पतला हम और कर लेते हैं, बहुत ज्यादा पतला अब हम नहीं बेलेंगे इसे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। अब हम इसमें नमक पारे काट कर तैयार करते हैं। आप यहाँ पे इसकी मोटाई देख सकते हैं कि मैंने अब इसे बहुत पतला नहीं किया है, थोड़ा मोटा ही रखा है, तभी जो हमारी लेयर्स हैं वो अच्छे से निकल कर आएंगी। तो इस तरह से हम चौड़े चौड़े पट्टी की तरह इसे काट लेंगे। आप चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से हम नमक पारे काट कर तैयार कर लेंगे और उसके बाद इन्हें फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ पे नमक पारे की मोटाई देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने नमक पारे काट कर तैयार कर लिए हैं। एक तरफ कढ़ाई में मैंने तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। इन नमक पारों को फ्राई करने के लिए मीडियम गर्म तेल चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल नहीं गर्म होना चाहिए। तो पहले तेल को हम चेक कर लेंगे कि हमारा तेल गर्म है या नहीं गर्म है। तो तेल यहाँ पे परफेक्ट गर्म हो चुका है, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। एक एक करके नमक पारे हम इसमें ऐड करेंगे और स्टार्टिंग के एक मिनट हमें इन्हें टच नहीं करना है। ये एक से दो मिनट में अपने आप फूल कर ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद ही हम इन्हें टच करेंगे। और इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नमक पारे फूल कर अपने आप ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो त्योहारों पे आप इसी तरह के लेयर्ड नमक पारे बनाइए, सबको खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगर यूजफुल नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नमक पारे की लेयर्स बहुत ही अच्छी आई हैं, सारे नमक पारे अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इन्हें पलटते पलटते हुए अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए नमक पारे में अच्छा कलर आ चुका है। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। और सारे नमक पारे मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए थे और मैं आपको दिखाती हूँ कि नमक पारे कितने खस्ता बने हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं नमक पारे। तो ये देखिए खस्ता नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।